प्रतिद्वंदिता एक शब्द जो प्रतीक है करीबी और शानदार मुकाबले का। प्रतिद्वंदिता शब्द आते ही प्रत्येक मनुष्य एक अलग तरह की ऊर्जा से भर जाता है, फिर वो प्रतिद्वंदिता सियासी हो, मनोरंजन से जुड़ी हो या खेल के मैदान पर हो। वैसे भी बड़ों की माने तो क्रिकेट का इतिहास विवादों और प्रतिद्वंदिताओं से भरा पड़ा है। जब भी दो देशों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता की बात होती है तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत पाकिस्तान की चर्चाएं सबसे ज्यादा होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इन चारों टीमों में से किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात 1980 में न्यूजीलैंड की धरती पर हुई न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरक टीवी की नई पेशकश क्रिकेट हिस्ट्री के पहले एपिसोड में। दोस्तों, 1980 के दशक में वेस्टइंडीज अपने घातक गेंदबाजों और बल्लेबाजों के दम पर क्रिकेट की सुप्रीम पावर था। मुख्य रूप से माइकल होल्डिंग, जोएल गॉर्नर, एंडी रॉबर्ट्स और मैल्कम मार्शल जैसे गिफ्टेड घातक गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी किसी चुनौती से कम नहीं थी। उसी दौरान 1980 में वेस्टइंडीज टीम ऑस्ट्रेलिया को 2-0 और इंग्लैंड जैसी टीम को 3-0 से उन्हीं के घर में हराकर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने न्यूजीलैंड गई थी। क्लाइव लॉयड की शक्तिशाली वेस्टइंडीज के सामने जियोफ हॉवर्थ की न्यूजीलैंड टीम शेर के सामने एक मेमना नजर आ रही थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड अपने घर पर खेलने का कुछ फायदा जरूर उठाएगा और वेस्टइंडीज के सामने चुनौती पेश करेगा। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास के सबसे चर्चित दौरों में से एक इस दौरे की शुरुआत 8 फरवरी 1980 को ड्यूनेडिन में एकमात्र वनडे मैच से हुई थी, जिसमें न्यूजीलैंड ने सबको चौंकाते हुए एक विकेट से जीत हासिल की थी। लेकिन इस मैच में गौर करने वाली बात यह थी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों और क्षेत्र रक्षकों द्वारा की जा रही लगभग हर अपील को अंपायर मान रहे थे, जबकि वेस्टइंडीजी खिलाड़ियों की अपील को बेरहमी से ठुकराया जा रहा था। उस समय आज की तरह तकनीकें नहीं थी, आईसीसी की भी मैचों पर कोई निगरानी नहीं रहती थी। इस सीरीज से पहले मैच के दौरान अंपायरिंग कर रहे अंपायर घरेलू टीम के ही होते थे। ऐसे में सब कुछ खेल भावना और अंपायरों के हाथ में ही होता था। उस वनडे मैच से यह स्पष्ट था कि वेस्टइंडीज के लिए यह दौरा मुश्किल रहने वाला है, लेकिन आगे जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भविष्य से बेखबर वक्त में ड्यूनेडिन के मैदान पर टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को भ्रम में डालने के लिए एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाया, जबकि पिच तेज गेंदबाजों के लिए बनी थी। पिच और टॉस का फायदा उठाते हुए पहले गेंदबाजी करने आई न्यूजीलैंड टीम ने वेस्टइंडीज जैसी टीम को 140 रन पर ऑल आउट करके सनसनी मचा दी। न्यूजीलैंड की तरफ से हेडली ने 5 विकेट लिए थे, जिसमें 3 विकेट LBW के रूप में प्राप्त किए गए थे। यहाँ खास बात यह थी कि तीनों ही मौकों पर अंपायर फ्रेड गुडॉल थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने 249 रन बनाए और वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 212 रन बनाकर न्यूजीलैंड को मात्र 104 रनों का लक्ष्य दिया। ड्रामा भले ही न्यूजीलैंड की दूसरी और टेस्ट की आखिरी पारी से शुरू हुआ, लेकिन टेस्ट मैच अभी तक जिस तरह से हुआ था उसने यह साफ कर दिया था कि न्यूजीलैंड मूल के अंपायर पूरी तरह से वेस्टइंडीज के खिलाफ हैं। पारी शुरू हुई, वेस्टइंडीज के गेंदबाज अपील करते और न्यूजीलैंड के अंपायर उसे नकार देते। फिर भी होल्डिंग ने जॉन राइट और एडगर को जल्दी आउट कर न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके दिए। अगले ओवर में होल्डिंग के गेंद को जॉन पार्कर थर्ड मैन की दिशा में खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद विकेट कीपर डॉर्क मूर के दस्तानों में समा गई। वेस्टइंडीज के प्रत्येक खिलाड़ी ने उत्साह के साथ अपील की, मगर अंपायर जॉन हेस्टी ने अपनी उंगली नहीं उठाई। इस बेईमानी को देख कर होल्डिंग बौखला गए और गुस्से में स्ट्राइकर एंड के स्टंप पर जबरदस्त किक मारी। अगले दिन के स्थानीय अखबारों में इस घटना ने मैच की कवरेज से ज्यादा चर्चा बटोरी। बहरहाल आगे के गेंदबाजों ने होल्डिंग के गुस्से से अपना गुस्सा मिलाते हुए कातिलाना गेंदबाजी जारी रखी और 73 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 8 विकेट गिरा दिए। न्यूजीलैंड टीम जैसे तैसे 104 रन बना पाई और एक विकेट से मैच जीतकर वेस्टइंडीज को कभी न भूलने वाली हार थमा दी। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों में निराशा इतनी थी कि टेस्ट के बाद हुई प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वेस्टइंडीज के मैनेजर के अलावा केवल टेस्ट के बल्लेबाज चुने गए डेसमंड हेन्स थे। यहां तक वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लैड भी नहीं थे, जिन्हें उस दौर का सबसे ज्यादा भावुक, जोशीले और खेल भावना का सम्मान रखने वाले कप्तानों में गिना जाता था। पहले मैच के बाद सबकी निगाहें क्राइस्ट चर्च में होने वाले अगले मुकाबले पर टिकी थी, जहां वेस्टइंडीज खिलाड़ियों के गुस्से और एम्पायरों की बेईमानी की हदें तय होनी थी। फिर भी दो दिन का खेल ठीक ठाक हुआ और वेस्टइंडीज के 228 के जवाब में दूसरे दिन के अंत में न्यूजीलैंड का स्कोर 15-0 पर था। लेकिन ड्रामा तीसरे दिन तब शुरू हुआ जब कप्तान होवार्थ 68 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। गार्नर की गेंद होवार्थ के अंगूठे को छूकर विकेट कीपर के दस्ताने में गई, मगर अंपायर गुडॉल ने फैसला न्यूजीलैंड के पक्ष में दिया। वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ियों से लेकर दर्शक भी होवार्थ को आउट मान रहे थे। अंपायरों के एक तरफा बर्ताव को देखते हुए वेस्टइंडीज टीम ने आगे खेलने
खेलने से इनकार कर दिया और मैदान पर वापस आने के लिए गुडॉल को अंपायरिंग से हटाने की शर्त रखी। इधर न्यूजीलैंड भी अपने अंपायर के पक्ष में थी। 11 मिनट इंतजार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान होवार्ड पवेलियन आए और लॉयड को आश्वस्त किया कि वो अपने खिलाड़ियों से कहेंगे अगर उन्हें लगता है कि वो आउट हैं तो अंपायर के फैसले के बिना पवेलियन लौट आए। वेस्टइंडीज टीम 12वें मिनट मैदान में थी, लेकिन यह खेल के अलग तरह से शुरू होने का संकेत था। हल्के विकेट न मिलने के बाद भी वेस्टइंडीज की तरफ से बाउंसरों की बरसात जारी रही। चाय के बाद होल्डिंग ने एक बार फिर होवार्थ को मूर के हाथों कैच आउट कराया, लेकिन ना तो अंपायर ने उंगली उठाई और ना ही लॉयड को आश्वस्त करने वाले होवार्थ ने मैदान छोड़ा। तीसरा दिन तनाव के साथ खत्म हुआ, मगर असली घटना तो अभी होना बाकी थी। गेंदबाज कोलिन क्रॉफ्ट और गुडाल के बीच चौथे दिन की शुरुआत से ही तनाव शुरू हो गया था। क्रॉफ्ट क्रीज के बहुत बाहर से गेंद फेंक रहे थे, गुडाल कभी नो बॉल देते तो कभी चेतावनी। इसी तनातनी के बीच मैच चल रहा था और यहीं पर क्रॉफ्ट की एक बाउंसर पर हेडली का कैच विकेट कीपर मूरे ने पकड़ा, लेकिन गुडाल ने नॉट आउट करार दिया। इसके बाद क्रॉफ्ट ने बाउंसर की झड़ी लगा दी और अंपायर ने जब फिर से नो बॉल दी तो रनर अप पर लौटते वक्त क्रॉफ्ट ने रनिंग एंड की बेल्स गिरा दी। यहीं स्थानीय दर्शकों द्वारा की गई जबरदस्त होटिंग ने क्रॉफ्ट का गुस्सा और बढ़ा दिया। इसका नतीजा यह रहा कि अगली गेंद पर अपने रनर अप के दौरान अंपायर के ठीक पीछे से आते हुए क्रॉफ्ट ने गुडॉल को कोहनी मार दी। इसके बाद माहौल क्रिकेट के मैदान से जंग के मैदान में तब्दील हो गया। यह क्रिकेट इतिहास की इकलौती ऐसी घटना है जहां अंपायर के साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो। क्लाइव लॉयड से काफी देर बाद बात करने के बाद मैच फिर से शुरू हुआ, मगर क्रॉफ्ट ने बाउंसर फेंकना जारी रखा। इस घटना के बाद न्यूजीलैंड की पारी जैसे तैसे 460 रन पर समाप्त हुई। अब मैच में कुछ नहीं था, या शायद था। वेस्टइंडीज की जबरदस्त बल्लेबाजी अभी बाकी थी, जो सीरीज में देखने को नहीं मिली थी। गॉर्डन ग्रीनीज ने 97, हेंस ने 122, लॉरेंस रो ने 100 और कोलिस किंग्स ने भी 100 रन बनाकर अपनी भड़ास निकाली। इन पारियों की बदौलत वेस्टइंडीज का अंतिम स्कोर 447-5 था और मैच ड्रॉ रहा। अच्छे खेल के लिए याद रखी जाने वाली यह सीरीज क्रिकेट इतिहास में सबसे चर्चित विवादास्पद सीरीज बनकर रह गई थी। हालांकि सौभाग्य से ऑकलैंड के तीसरे टेस्ट में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। टेस्ट से पहले खिलाड़ियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अंपायर गुडॉल को छुट्टी दे दी गई, लेकिन उस पूरे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने कुछ खास रुचि नहीं दिखाई। यहां तक कि सीरीज खत्म होने से एक दिन पहले ही वेस्टइंडीज के 5 सीनियर खिलाड़ियों ने वापसी का टिकट करा लिया था। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने अपील करना छोड़ दिया था। इसका नतीजा रहा नीरज से 5 दिन के बाद ऑकलैंड का तीसरा टेस्ट भी ड्रॉ हो गया। इस तरह क्रिकेट इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद सीरीज न्यूजीलैंड ने 1-0 से अपने नाम की। उस सीरीज को याद किए जाने पर आज भी दो पक्ष बन जाते हैं। एक पक्ष क्रॉफ्ट और होल्डिंग के गुस्से को ठीक बताता है तो दूसरा पक्ष गुडॉल को गलत बताते हुए भी खेल भावना की दुहाई देता है। अब गुडॉल सही थे या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना के बाद ICC ने तटस्थ यानी न्यूट्रल अंपायरिंग का नियम जोड़कर भविष्य में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। दोस्तों, नारा टीवी की नई श्रृंखला क्रिकेट हिस्ट्री का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप अगली वीडियो क्रिकेट की किस ऐतिहासिक घटना पर देखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।